चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला शायद ही कोई शख्स होगा जो अब रानू मंडल के नाम से वाकिफ ना हो। लता मंगेशकर के गाए हुए एक गाने ने एक प्यार का नगमा गाने को गाकर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनी रानू मंडल की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया है कि दुनिया ही बदल गई है। संगीतकार निर्देशक हिमेश रेशमिया ने उनकी आने वाली फिल्म हैप्पी हैंडी एंड हियर में गाने का मौका दिया है, मगर अब रानू के बारे में एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको याद ही होगा कि रानू की सुरीली आवाज का इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। तब हिमेश रेशमिया ने एक रियलिटी सिंगर शो में उनको बकायदा बुलाकर गाना गवाया और ऐलान किया कि उनकी आने वाली फिल्म में वो गाना गवाएंगे और हिमेश रेशमिया ने वो वादा भी निभाया है। हैप्पी हैंडी एंड हियर में रानू ने तेरी मेरी कहानी का गाना जो रिकॉर्ड किया है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और हर कोई इसे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब जो चर्चा बड़े जोर शोर से है कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने रानू की मदद के लिए आगे आए हैं और उन्हें 50 लाख रुपए की मदद की चेक भेजा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पवन सिंह अपने आने वाली फिल्म में एक गाना भी गवाने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन खबरों को अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, ना ही सुपरस्टार पवन सिंह की तरफ से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह वैसे अपने दरिया दिल्ली के लिए भी भोजपुरी में काफी मशहूर है और अक्सर जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। आपको बता दें कि रानू मंडल पश्चिम बंगाल के रानाघाट की रहने वाले हैं और वो वहीं स्टेशन पर फिल्मों के गाने गाकर गुजर बसर करती रहती थी। इसी दौरान स्थानीय युवक ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और वो अब एक स्टार बन चुकी हैं।